and B together can complete a piece of work in 27 3 by 7 days. The work was completed by A and B in 12 4 by 5 days with the help of C. C is 66 2 by 3% more efficient than D, who is 20% more efficient than A. Find the number of days in which B alone can complete the whole work. देखो यहाँ पे ये परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. दुनिया का कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको परसेंटेज और रेशियो का कन्वर्जन आना चाहिए. ये क्लियर है, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है. सबसे पहले मैं इस परसेंटेज को बोलता हूँ. 66 टू बाई 3% का क्या मतलब होता है बच्चों? ये होता है सिंपली 2/3. 20% का क्या मतलब होता है रेशियो टर्म्स में? ये होता है 1/5. तो आपको गिवन है सी, आपको गिवन है डी और आपको गिवन है ए के एफिशिएंसी का रिलेशन. नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी, यहां से स्टार्ट करोगे, डी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए. इसका क्या मतलब है कि ए अगर 5 यूनिट काम करता है तो डी कितना करेगा? इससे 20% ज्यादा, मतलब एक ज्यादा, तो ये 6 यूनिट काम करेगा. ये क्लियर है. और गिवन है कि सी 66 2 बाई 3 यानी 2 बाई 3 ज्यादा काम करता है डी से, तो 6 का 2 बाई 3 कितना हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा 4. तो सी के काम करने का रेट कितना मिल जाएगा? 10 यूनिट. ये क्लियर. तो आपको सी डी ए का एफिशिएंसी का रिलेशन मिल गया. एक बच गया बी, इसका एफिशिएंसी नहीं पता, तो अज्यूम कर लो कि इसका एफिशिएंसी कितना है बच्चों, वो है एक्स. सो आपको अब सभी पर्संस का इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गया. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई ए एंड बी टूगेदर इन 27 3 बाई डेज. तो अगर आप ए और बी के वर्क एफिशिएंसी की बात करो तो पर डे कितना काम करेंगे? 5 और x, तो सिंपली लिखोगे आप 5 + x. और कितना टाइम ले रहा है बच्चों? ये 27 3 बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करना दुनिया का सबसे आसान काम है. पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 140, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49, तो 189 और 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 7. तो टोटल ये इतना काम करेंगे और ये इक्वल होगा. कह रहा है कि सेम काम ए और बी सी के हेल्प से कितने दिन में कर रहे हैं? 12 4/5 डेज में. ये कितना होगा? 64/5 डेज. तो 64/5 डेज में फिर से कौन काम कर रहे थे बच्चों? वो कर रहे थे ए एंड बी. तो ए एंड बी की एफिशिएंसी अभी भी 5 + x है और साथ में कौन मिल गया है? सी मिल गया. तो 64/5 और सी की एफिशिएंसी आपको पता है बच्चों कितना था? 10. तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 से ये इजिली कट रहा है 2 times, तो आप लिखोगे 64/5 × 5 + x. अब देखो यहां से इजिली डिवाइड हो रहा है ये नंबर. 64 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 times. ये क्लियर है. तो हमें दिख रहा है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान है और साथ में यहाँ पे ये बच्चों 128 था. ये क्लियर है. 64 × 2 = 128. तो 64 से ये भी 2 times डिवाइड हो जाएगा. तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा बच्चों 3/7 × 5 + x = 5 + x और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? ये मिल जाएगा 1/5 भी होगा यहाँ पे. 64 से ही आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर में तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमेटर में 5 बचेगा ही और ये मिल जाएगा बच्चों 2. अब आप क्या करो, इसको एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और 5 + x कॉमन ले लो. तो 5 + x × क्या लिखोगे आप? लिखोगे 3/7 एंड -1/5 = क्या है? 2. सो अल्टीमेटली 5 + x × ये 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 - 7 = 2. तो लिखोगे आप 5 + x × 8/35 = क्या होगा? 2. तो यहां से बच्चों आप लिख सकते हो 5 + x = 35 × 2 / क्या होगा? 8. तो यहां से 2 से ये 4, तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा? तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 35/4 - 5, दैट इंप्लाई ये हो जाएगा 15/4. ये क्लियर है. आपको पूछ रहा था कि b अलोन कितना काम करेगा, कितने दिन में काम करेगा, तो b को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्कडन पहले निकाल लो कितना होगा. तो टोटल वर्कडन कितना है? किसी भी यहाँ पे किसी भी एक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो. तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ टोटल. तो टोटल वर्कडन हो जाएगा बच्चों 192 / 7 × क्या लिखेंगे हम? 5 + 15/4. ठीक है. और बी का एफिशिएंसी हमें पता था वो कितना है? 15/4. और मान लो बी को टी टाइम लग रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो. ठीक, क्लियर है.
तो यहां से फर्दर हम लिख सकते हैं 15/4 इंटू टी इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 7 इंटू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 35/4, ये क्लियर है। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये डिवाइड हो जाए, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 5, इसको डिवाइड करोगे फर्दर तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 64 टाइम्स, ये क्लियर है। तो यहां से टी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, वो हो जाएगा 64। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रेशियो को परसेंटेज में और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखो, रिलेटिव वैल्यू को एनालाइज करना सीखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।